हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशीम एंड रोहित ब्लॉग। आप सभी को जोहार। तो आप लोग में से बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ कुछ लोग मेरे बाल के बारे में पूछ रहे थे कि मैं अपने बाल का केयर कैसे करती हूँ या फिर क्या क्या यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए। तो अगर मैं सही बोलूँ तो ऐसा तो मैं कुछ अपने हेयर के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। बस एक ऑयल है जिसको मैं हेयर वॉश करने से पहले ही लगाती हूँ, और वो ऑयल भी मैं घर पर ही खुद बनाती हूँ, उसमें कुछ कुछ घर के इन्ग्रीडियंट ऐड करके। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल वैसे लंबा है, जो मुझे पहले से जानता है या मिला है वो लोग मेरा बाल देखे हैं कि काफ़ी लंबा है और घना भी है। तो मैं अभी जो तेल आप लोग को बनाने के लिए बताऊंगी, वो जो बहुत महंगे महंगे तेल सब आते हैं ना, तो वो कॉस्टली भी रहते हैं, तो उसको टक्कर दे सकता है जो मैं अभी ऑयल बना रही हूँ। और ये सिंपल घर के चीज़ से ही बन जाएगा, आपको घर पे ही इसका सारा इंग्रेडिएंट मिल जाएगा और इससे बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनता है ये ऑयल। तो इस तेल को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, पहले तो एक चाहिए प्याज आपको, ज़्यादा प्याज का भी ज़रूरत नहीं है, तो आप बोल सकते हो जो ओनियन ऑयल वगैरह आता है ये उसका भी काम करेगा, करी लीफ, करी पत्ता, और मेन चीज़ है एलोवेरा। ये मैं घर से लाई थी इसलिए पन्नी पे है, तो ये मोटा वाला एलोवेरा मेरे घर पे लगा हुआ था, हम लोग घर गए थे तो इसको लाएँ। तो अभी सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं और एलोवेरा का जो जेल होता है उसको अच्छे से निकाल लेते हैं। तो अभी इसको मैं इसका ये जेल निकाल लूँगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। इसको काट लेते हैं, एलोवेरा काटने का ना सही तरीका यही होता है, पहले साइड साइड में काट लीजिए, फिर जैसे मैं बता रही ना आप लोग वैसे एलोवेरा काटेंगे तो आप लोगों को इसका जेल निकालने में बहुत इजी होगा। ये देखिए आराम से ऐसे इसको खींच देंगे वहां से आधा काट के, आपका आराम से यहाँ जेल निकलने के लिए स्पेस हो जाएगा। तो इसको छील ली हूँ मैं, अब इसको साइड रख के एक बर्तन में हम लोग इसको ना इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे ये पूरा निकलता जाएगा, तो इसको हम लोग को पूरा जेल निकाल लेना है इसका। तो आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ मेरा निकलते जा रहा है ये सारा एलोवेरा का जेल। तो बहुत सारे लोगों को ना चाकू से काटने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आप लोग ना चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक साइड का तो निकल गया है, मैं इसको पलट लेती हूँ, और देखिए चम्मच रहेगा आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे जैसे चाकू से कर रहे थे खरोचते जाइए। तो चम्मच का क्या रहता है, वो सेफ रहता है कि आपका हाथ नहीं कटेगा, और चाकू से है कि बहुत किसी मतलब मेरा तो आदत हो गया है निकाल निकाल के, बहुत कोई नहीं निकाल पाता है। तो ये देखिए हमारा एलोवेरा जेल सारा निकल गया है। अब मैं एक ही बार मैं सारा कटिंग वगैरह कर लेती हूँ सब चीज़, तब हम प्याज को लेके इसको भी हमें छोटा छोटा चॉप करना होगा। तो प्याज भी कट कर लेते हैं, और एलोवेरा आप अपने बाल में लगाएंगे तो वो आपके बाल को सॉफ्ट भी करता है। इसमें अभी और भी इंग्रेडिएंट है जो मैं ऐड करूँगी, तो वन बाय वन जैसे जैसे जिसको ऐड करना है मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो इसको भी बहुत से आप बड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा काटने में क्या होगा ना, जो ये ऑनियन का रस है वो अच्छे से निकलेगा नहीं, इसलिए ना इसको छोटा छोटा चॉप करना ही बेटर है। तो एक साथ ही चॉप कर ले रहे, क्योंकि एट द एंड इसको तेल पे ही जाना है, तो मैं सारा साथ में ही एक साथ चॉप कर ले रही हूँ। तो प्याज कटने के बाद इसमें मिलाएंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता एक ही मिलाएगा, ज़्यादा मत मिलाइए, क्योंकि इसका स्मेल स्ट्रांग होता है। अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा करी पत्ता और ज़्यादा प्याज डाल देंगे तो आपके बाल में मतलब बाल बाल नहीं झड़ेगा, तो वैसा नहीं होता है, सब चीज़ को क्वांटिटी में डालने से ही अच्छा होता है। तो एक करी पत्ता का डंडा काफ़ी है, एक प्याज काफ़ी है, एलोवेरा भी आप एक इतना बड़ा भी ले लेते हैं तो वो काफ़ी है। तब इसमें जो मैं ऐड करूँगी ये ऑप्शनल, अगर आपके पास होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं होगा तो मत ऐड करिएगा। ये उड़हल का फूल बहुत से लोग जानते होंगे, ये बाल के लिए जैसे एलोवेरा सिल्की करता है बाल को, तो उड़हल भी उसी का काम करता है। और ये जो उड़हल फूल है इसको रांची में जोभा फूल भी बोलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मेरा थोड़ा मुरझा गया है, क्योंकि मैं घर गई थी कुछ दिन पहले तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो अगर आपके वहाँ नहीं मिल रहा है तो अगर कहीं आपके आसपास अगर सूखा उड़हल का फूल है ना, तो आप उससे भी काम चला सकते हो। इसका हम सारा पत्ती तोड़ तोड़ के इसमें डाल देते हैं।
तो अब नेक्स्ट जो इसमें हम लोग करेंगे, तो जब ऑयल बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑयल, तो मैं यूज़ करती हूँ नारियल तेल। तो आप लोग नारियल तेल में भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों तेल में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वैसे मार्केट में ऑयल आते हैं हेयर ऑयल, तो मैं तो उसमें सजेस्ट नहीं करूँगी। आप अगर नारियल तेल या फिर सरसों तेल, इन्हीं दोनों में बनाइएगा, जो भी आपको ठीक लगता है। तो चलिए अब इसका और भी एक दो इन्ग्रीडियंट है, तो उसको बनाते बनाते मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसमें ये जो तेल है ना, ये सारा तेल में डाल दूंगी, क्योंकि एक ही बार में मैं तेल बना के रख लेती हूँ, फिर आराम से जब तक यूज होता है तब तक के लिए बनाती हूँ। तो तेल इसमें डल गया है, अब जो हम लोग एलोवेरा का जेल निकाले थे वो जेल को इसमें डालेंगे। इसको मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि तेल गर्म हो जाएगा ना, तब गर्म होने के बाद अगर आप ये सब चीज डालेंगे ना तो वो छटकेगा, तो आप डालने में भी प्रॉब्लम होगा, मुझे तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं अभी ठंडा है तेल, तो इसी में जो एलोवेरा का जेल निकाले थे उसको डाल देंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ अब मैं, नेक्स्ट है प्याज, सारा वन बाय वन डालते जाएंगे। ये जो उड़हल का फूल है ना, इसको मैं इसका सारा ये पेटल्स को अलग कर ले रही हूँ। तो ये जो उड़हल का फूल है इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अब जो आइटम बच गया है जो और है वो मैं बता रही हूँ आपको, ये है मेथी, खड़ा मेथी, और ये है मंगरेला जिसको कलौंजी भी बोला जाता है। तो ये दोनों ही मेन इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि मेथी और मंगरेला से आप लोग का बाल बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें ऐड करेंगे और इसमें मंगरेला भी ऐड कर देंगे। तो अभी रुकिए मैं दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा ना चम्मच से चला देंगे क्योंकि सब एक जगह हो गया है, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप लोग देखे होंगे कि इसमें मैं डाली और एक भी चीज़ छटका नहीं, जैसे कि तेल गर्म रहेगा ना तो वो छटपटाने लगेगा, तो आप लोग को डालने में और इसमें बनाने में भी तेल प्रॉब्लम होगा, इसलिए ठंडा तेल जब आप डालते हैं तुरंत ही सारा इंग्रेडिएंट डालते जाइएगा, और उसको लास्ट में ऐसे चम्मच से चला देना है कि सब अच्छे से तेल के अंदर डिप हो जाए। अभी मैं दिखाती हूँ उसको कैसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बीच बीच में वो उबाल भी आने लगा है तेल का हल्का हल्का, तो इसको अच्छे से अभी हम लोग गर्म होने देंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोग, ये तेल बहुत से लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं देगा क्योंकि ये होम रेमेडीज से बना हुआ है। क्या होता है कि जिसमें केमिकल वगैरह यूज होते हैं वो तुरंत आप लोगों को रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन ये होम रेमेडीज से बना है तो तुरंत में तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए 2 वीक्स तो आपको इसको लगाना ही होगा, 2 वीक्स में आपको पता चलने लगेगा कि ये तेल काम करता है, क्योंकि मैं जिसको भी बताई हूँ तो वो लोग भी इस चीज़ को यूज़ किया है और बताया है, ये चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल तो वैसे ही लंबा है, और ये तेल यूज़ करने से एक और चीज़ होता है जो मुझे पर्सनली मिल चुका है, या फिर मुझे जानता है वो लोग देख रहे हो कि मैं बाल जनरली या फिर ऐसा नॉर्मल एक छोटी करके रहती हूँ, पोनी छोटी, गूंथ के तो बिल्कुल ही नहीं रहती, जूड़ा भी नहीं बनाती हूँ, तो मेरा बाल हमेशा ओपन ही में रहता है, लेकिन तो भी स्प्लिटेंस नहीं होता। बहुत से लोगों होता है कि ज़्यादा बाल खुल के रखते हैं और उन लोगों का स्प्लिटेंस, जो दो मुहा बाल होता है वो हो जाता है, तो दो मुहा बाल भी इससे जल्दी नहीं होगा। अगर इसका आपको पूरा प्रॉपर रिजल्ट अच्छे से चाहिए तो 1 मंथ आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसा लग रहा है कि मुझे कुछ ब्रांड ब्रांड बना लेना चाहिए हेयर ऑयल का, तो आप लोग भी इसको बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और नॉर्मल सी चीज़ है, घर में ही सारा चीज़ आप लोगों को मिल जा रहा है, तो आप लोगों का पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे जो भी ऑनियन ऑयल और बहुत सारे ऑयल आजकल मार्केट में आ रहे हैं आपके बालों के लिए कि जिससे बाल टूटेगा नहीं, जल्दी बढ़ेगा, तो उसमें पैसा लगाने से बेटर है कि आप मात्र 200 रुपये या 300 रुपये, 300 भी नहीं जाएगा, 250 तक ही जाएगा, जो जाएगा ऑयल पर ही जाएगा पैसा आपका, जो भी ऑयल ले रहे हैं आप। बाकी तो मंगरेला अजमाई थोड़ू थोड़ू सा है, उसको 5-10 रुपए में भी लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे से खोल रहा है, और जैसे तेल जब रेडी होने लगता है ना तो ये जो इंग्रेडिएंट डाला है उससे एक बहुत अच्छा सा स्मेल आने लगता है। तो मैं दिखा रही हूँ कैसे दिख रहा है आपको, ये देखिए इसमें खोल रहा है और फूल वगैरह सबका कलर चेंज हो गया है। तो इसको अच्छे से ना थोड़ा सा 10 मिनट तक ऐसे ही डबकने देंगे, उसके बाद हमारा ऑयल बनके रेडी हो जाएगा। फिर इसको एक कंटेनर, किसी में जब ठंडा हो जाएगा तो एक कंटेनर में अच्छे से इसको सिक्योर करके रख लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं गैस बंद कर दी हूँ और मेरा ऑयल बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी ये गर्म है।
तो इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होगा तो फिर एक किसी कंटेनर में इसको डाल के या फिर किसी बॉटल में इसको डाल के रख लेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी जो बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अपने बाल के लिए, तो मैं तो बोलूँगी एक बार बस आप जब उतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखना। बहुत सारे लोगों का होता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों का ही रहता है कि वो अपने बाल के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, तो करने को कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में ये तेल बन के रेडी हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी इसको ट्राई करें घर पे ज़रूर, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो यही था मेरे बालों का जो है, क्योंकि वैसे एक्स्ट्रा अलग से कुछ केयर मैं नहीं कर पाती हूँ अपने बाल का, और बस यही एक ऑयल लगाती, वो भी हेयर वॉश करने से, अगर मुझे मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है कल, तो आज नाइट में ही मैं ये ऑयल लगा के, पूरा होल नाइट रहता है ये ऑयल, और उसके बाद मॉर्निंग में मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो इससे तो अभी तक मुझे, तो जब से मैं यूज़ करना स्टार्ट की हूँ, मुझे मेरी मम्मा ने ये तेल बताया था कि ये चीज़ इंग्रेडिएंट यूज़ करके तुम लगाओ, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मैं जिन लोगों को भी सजेस्ट किया उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करें इस चीज़ को, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो महंगे महंगे ऑयल वगैरह आते हैं, हेयर ऑयल वगैरह, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आपको मेरे आईडी के नेम के सामने ही सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उससे जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। बाय बाय।